सवाल ये है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा, सवाल ये है। नहीं नहीं सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पर खड़े हैं इनके माता पिताओं ने किया, इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न दो तीन उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लॉक कर दूं। आपके माता पिता क्या करते हैं? गुलाम नबी साहब बहुत दूर खड़े हैं। आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला है, ठीक है, ठीक, आपके पास पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना, मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन दो तीन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया? मगर ये जो दो तीन बिजनेसमैन है उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? काउंटर करने की जरूरत? आप क्या बात कर रही है काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं? तो फिर अगर आपको समझ है तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए? क्या इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। ले भाई, ले तेरा काम हो गया, बैठ रहे ना, चलो जाने दो।